यमुनानगर के शादीपुर में 7 जुलाई को चोरों ने एक मकान में दुकान में सेंध लगाकर भारी भरकम सामान व नकदी चुरा ली थी। पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश की तो पुलिस ने शक की सुई गांव के कुछ लड़कों पर घूमी जो कि नशे के आदि थे। पुलिस ने जब इन नशेड़ी लड़कों को हिरासत में लिया तो इन लोगों ने इन दोनों चोरियों के साथ साथ और भी कई वारदातों को कबूला। पुलिस को इनके पास से 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1,30,000 रुपये नकदी बरामद हुई है। लड़कों को शादीपुर के 3 लड़कों को राउंड अप किया है जिनसे हमारे यहाँ पे दिनांक 6 और 7 की रात्रि को लगातार घरों में चोरियाँ हो रही थी और एक चोरी में से हमारे यहाँ से 22 मोबाइल के और 3.5 लाख रुपये चोरी हुए, एक घर पे से लैपटॉप और 20,000 रुपये चोरी हुए, उनको राउंड अप किया है जिनसे अभी तक हम दोषियों से मोबाइल्स और लगभग 1,30,000 रुपये की राशि रिकवर कर पाए हैं। बाकी अभी देखते हैं कितने में और वर्कआउट होते हैं और कितने कितने चोरियों में किए हैं लोगों ने। ये असल में नशे के आदि हैं और अपने नशे की पूर्ति के लिए अपने ही गांव के लड़कों को टारगेट करते थे शाम को जाके कि कैसे चोरी की जाए और उन्हीं में से ही ये चोरी करते थे। ये अपने अपने ही गाँव में घूमते रहते थे, जो इनको लगता था कि दुकान बंद है या जो घर बंद है उनको टारगेट करके रात्रि में उनकी चोरी करते थे। यमुनानगर से अजार टीवी न्यूज़ के लिए कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।